कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मोदी के प्रहार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के भाषण को हेट स्पीच करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने पति गरिमा को गिरा दिया है। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और हमला किया है। आरोप लगाया है कि मोदी जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, मोदी ने आज मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाया और कहा कि उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। 2002 से लेकर अब तक मोदी की बस एक ही गारंटी रही है, भारत के मुसलमानों को गालियां दो और वोट बटोरो। अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार में देश के धन पर पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज देश का 40% धन खा गए। आम हिंदुओं को मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो यही है कि आपके पैसों से कोई और अमीर हो रहा है। तो कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, देखिए उनका पोस्ट आपको दिखाएंगे, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारी संपत्ति, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, SC ST की संपत्ति, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है, इसे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच बांटना चाहती है। अमित मालवीय का आप ये पोस्ट देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर ललितपुर से है, जहां पर बारातियों को लेकर जा रही एक स्कॉर्पियो में अचानक से आग लग गई। आग की तस्वीरें आप देखेंगे, भयावह आग लगी और पूरी स्कॉर्पियो चलकर खत्म हो गई। बारातियों ने स्कॉर्पियो से कूदकर अपनी जान बचाई है। स्कॉर्पियो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से झांसी जा रही थी। उधर लखीमपुर खीरी में भी जंगल में आग लगने की खबर आई है। भीषण आग लगी है और आग की चपेट में आने से बड़ी तादाद में पेड़ और जंगली जानवरों को नुकसान हुआ है। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में लगी हुई है। घटना मैगलगंज थाना क्षेत्र के देवी बोजी गांव के कुटिया वाले जंगल की है। अमरोहा में गेहूं की फसल से लदी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली में हाई टेंशन की चपेट में आने से आग लग गई। आग लगने से पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर खत्म हो गई। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा में ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी, गाजीपुर में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई, साथ ही वाराणसी में भी आग लग गई। आग की तस्वीरें जिससे भारी नुकसान पहुंचा है। इन्हीं खबरों के